नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्याज की कीमत सोलन सब्जी मंडी में अब वहां पर पहुंच गई है जहां से एकदम 9 रुपए की छाले देखने को सोलन सब्जी मंडी में मिली। यह वो दिन था जब मंडी में और देश भर में जब ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर चले हुए थे, डीजल का संकट गहराया हुआ था और उस वक्त टमाटर प्याज की कीमत मंडी में 23 रुपए प्रति किलो थी, तो आज टमाटर प्याज के भाव गिरकर 23 रुपए पहुंच गए हैं। कल जहां मंडी में 26 से लेकर 28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा था, आज 23 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त प्याज बिक रहा है और प्याज के भाव अब धीरे धीरे कम होने शुरू हो चुके हैं। प्याज की नई खेप मंडी में आज पहुंची हुई है। इस तरफ आप देख रहे होंगे क्योंकि ज्यादातर दर्शक हमारे साथ डेली जुड़े होते हैं तो उन्हें पता है कि किस तरह का कल इस तरफ को प्याज नहीं था, तो आज प्याज की नई खेप पहुंची है। तो 23 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज प्याज बिक रहा है। प्याज के भाव में करीब 3 रुपए की गिरावट आज देखने को मिली है और मंडी में आज प्याज 23 रुपए प्रति किलो हो गया है। पिछले काफी दिनों से संभावना व्यक्त की जा रही थी कि आने वाले दिनों में प्याज के रेट कम होने वाले हैं, लेकिन मंडी में जब प्याज के रेट में अचानक 9 रुपए का उछाल देखने को मिला था और 32 रुपए तक प्याज पहुंच गया था, उसके बाद 1 रुपए की गिरावट प्रतिदिन या 2-3 दिनों बाद देखने को मिल रही थी, लेकिन प्याज की कीमत में गिरावट उस तरह की नहीं हो रही थी जिस तेजी के साथ प्याज के दाम बढ़े थे। लेकिन अब मंडी में प्याज के भाव 3 रुपए से लेकर 5 रुपए कम हुए हैं, क्योंकि जो 28 रुपए के आसपास प्याज बिक रहा था वो भी आज 23 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में प्याज बिक रहा है। तो प्याज अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है और भाव में गिरावट आनी शुरू हो चुकी है, तो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि 20 रुपए से नीचे प्याज एक बार फिर से पहुंच जाएगा, जैसे दिसंबर माह के चौथे सप्ताह में देखने को मिला था कि प्याज की कीमत 16 रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन दिसंबर 30 के से प्याज के रेट बढ़ने शुरू हुए थे जो लगातार बढ़े जारी थे और काफी दिनों से प्याज का रेट 25 रुपए से ऊपर बना हुआ था, लेकिन आज 25 रुपए से नीचे प्याज पहुंच गया है। 23 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज प्याज बिक रहा है। सोलन मंडी में आलू की खेप पहुंची हुई है और आलू लगातार मंडी में आलू की आपूर्ति जारी है। पंजाब और ऊना से आलू सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है और 6.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आलू सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। आलू के भाव इसी तरह के बने हुए हैं, कभी 8 कभी 6.5। इसके अलावा कोई ज्यादा परिवर्तन आलू के रेट में देखने को नहीं मिल रहा है और हिमाचल प्रदेश में इस बार ऊना में सबसे अधिक आलू का उत्पादन हुआ है। ऊना का आलू एक समय 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मंडी में बिक रहा था, लेकिन जब पंजाब से भी आलू की आपूर्ति शुरू हो गई तो ऊना के आलू के भाव भी गिरने शुरू हो गए और स्थिति यह है कि अब 6.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मंडी में आलू बिक रहा है। हो सकता है कि बाजार में 30 रुपए के आसपास आलू बिक रहा हो क्योंकि ज्यादातर 25 से 30 रुपए के बीच में, लेकिन मंडी में 6.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आलू बिक रहा है। प्याज की बात करें तो प्याज अभी भी बाजार में 40 से 45 रुपए के प्रति किलो के बीच में प्याज बिक रहा है, लेकिन आज प्याज के रेट में 3 रुपए की गिरावट 3 से 5 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। 26 से 28 रुपए के बीच में सोलन सब्जी मंडी में प्याज बिक रहा था, लेकिन आज 23 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में प्याज बिक रहा है। 23 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मंडी में प्याज आज बिक रहा है और करीब 3 से 5 रुपए की गिरावट प्याज के रेट में देखने को मिली है। एक समय 2 सप्ताह पहले जब प्याज के रेट बढ़े थे, करीब 9 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली थी, उस दिन भी प्याज का रेट 23 रुपए था और 23 रुपए से सीधा उछाल लगाता हुआ प्याज 32 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद 1 और 2 रुपए की गिरावट होते होते
हो रही थी लेकिन बीच में नहीं हो रही थी, तो इस तरह का स्थिति बनी हुई थी और उसके कारण उपभोक्ताओं को उस जो रेट में 1 रुपए की गिरावट हो रही थी उसका लाभ बाजार में कोई ज्यादा नहीं मिल रहा था, क्योंकि रिटेलर प्याज उसी रेट पर बेच रहे थे, 40 से 50 रुपए के बीच में मंडी में प्याज बिक रहा था। लेकिन जिस तरह की आज गिरावट देखने को मिली है तो उससे लग रहा है कि अब प्याज बाजार में उपभोक्ताओं को 40 से 45 या 37 रुपए से लेकर 40 रुपए के बीच में मिलेगा, क्योंकि इस तरह का भाव चला हुआ है। हम आपको साथ बता दें कि 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज यहाँ पर अभी बिक रहा है, तो इस पर आढ़त भी लगेगी और साथ में लेबर भी लगेगी और परिवहन का खर्चा भी होगा। तो कुल मिलाकर इस प्याज का रेट मंडी से जब यह बाहर निकलेगा तो 26 से 27 रुपए प्रति किलो के आसपास बन जाएगा, तो उसके बाद रिटेलर अपनी मार्जिन भी निकालेंगे, तो कुल मिलाकर 30 से 40 और 45 रुपए के बीच में ही इस तरह के भाव चले हुए हैं। हालांकि 25% का मार्जिन फिक्स है, लेकिन लगता नहीं कि जो सब्जी विक्रेता है वो 25% मार्जिन पर काम कर रहे हैं, उससे डबल ही काम कर रहे हैं, क्योंकि सोलन में तो हमने देखा कि जो रेड़ी फड़ी जिन्होंने लगाई हुई दुकानों के बाहर उनका पर डे का किराया ही 2000 रुपये है या 1500 रुपये है, तो वो भी निकालना है। तो इस तरह से सब्जियों के दामों में यही वजह रहती है कि सोलन में ज़्यादा तेजी पिछले काफ़ी समय से देखने को मिल रही है, क्योंकि ठेके पर आगे पे फड़े दी हुई है। हालांकि जगह अब आजकल तो जिस तरह से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सोलन शहर में हो रही है, तो काफ़ी सारी रेड़ी फड़ियाँ जो दुकानों के बाहर लगती थी उन्हें हटा दिया गया है। अदरवाइज सरकारी जगह पर रेड़ी फड़ी लगाने के भी पैसे लिए जा रहे थे 2 से 2.5 हज़ार रुपये, और यही वजह रहती है कि सब्जियों में जो तेजी अब देखने को मिली, जो मार्जिन 25% का सरकार ने किया हुआ है वो ज़्यादा रिटेलर कमा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि जो किराया है दुकानों का वो बेतहाशा बढ़ चुके हैं और मार्जिन के चक्रों में आम उपभोक्ता को ठगा जा रहा है। सोलन सब्जी मंडी में आज आप तस्वीरें देख सकते हैं प्याज की हम दिखा रहे हैं, हालांकि उस तरह की रौनक सोलन सब्जी मंडी में आज नहीं है जिस तरह की रौनक रहती है। वजह है कि आज मंडी बंद रहती है, सोमवार का दिन है और सोमवार को इस वक्त मंडी बंद रहती है। कुछ एक दुकानें खुली हुई है, कुछ दुकानों में लोकल सब्जियां पहुंची हुई है, जिन दुकानों में सब्जियां आई है तो वहां पर ग्राहक आज थोड़ी कम संख्या में है, लेकिन लोकल टमाटर की आज आपूर्ति हुई है, प्याज सोलन सब्जी मंडी में नया पहुंचा है और 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से यह प्याज सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। आलू आप देख रहे हैं हरियाणा से भी पंजाब से भी आलू आ रहा है और ऊना का आलू भी सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त आ रहा है। और यदि प्याज की बात करें तो प्याज नासिक का भी सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है, तो अलवर से भी प्याज की आपूर्ति मंडी में लगातार जारी है और प्याज आज 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। हम चाहेंगे कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि मंडी में किस तरह की आज दिवाली सोनियों की हो रही है। काफ़ी कम संख्या में आज दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं, तो ग्राहक भी आज कम संख्या में सोलन सब्जी मंडी में सब्जियाँ मंडी में और दिनों की तुलना में आज कम पहुंची हुई है। और राज कालसी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। गीतिका राणा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। श्याम वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राव पवन चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। चंचल सिंह राणा जी का हम स्वागत करते हैं और मलकीत सिंह राजपूत जी का भी स्वागत है, जो लगातार हमारे साथ है, पिछले काफ़ी समय से बने हुए हैं और हम चाहेंगे जब मौसम की जानकारी भी हम आपको दें तो साथ आपको बने रहें। और राज शर्मा जी हमारे साथ है जुड़े हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में, और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके। सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त इस समय हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मंडी में आज प्याज के भाव में गिरावट देखने को मिली है, 23 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज प्याज बिक रहा है। प्याज के रेट में 3 से 5 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। कल प्याज जहां 26 से 28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, आज 23 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में प्याज बिक रहा है। आलू 6.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आज मंडी में बिक रहा है। आलू की आपूर्ति
लगातार जारी है। दो ट्रक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 6.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आलू आज मंडी में बिक रहा है, जबकि पहले आलू के भाव में थोड़ी तेजी भी देखने को मिली थी दो दिन पहले, लेकिन आज आलू 6.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। अन्य सब्जी की बात करें तो टमाटर आज 450 से 500 रुपए के बीच में सोलन सब्जी मंडी में आज बिका है, और गोभी 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। बंद गोभी आज मंडी में 4 से 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही। शिमला मिर्च 30 रुपए है, राजमीन 30 से 35 रुपए के बीच में है, और भिंडी 60 रुपए है, तो करेला 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। मटर में तेजी है, मटर आज 38 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है, और मूली आज 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकी है। गाजर 14 रुपए प्रति किलो सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त गाजर का रेट चला हुआ है। अदरक आज 105 से 120 रुपए के बीच में है। कटहल मंडी में आया है तो 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कटहल भी मंडी में इस वक्त बिक रहा है, और कटहल के अलावा हम बात करें तो मंडी में अरबी 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, और घिया 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, बैंगन 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। हरी मिर्च में तेजी जबरदस्त देखने को मिली है, 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हरी मिर्च सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है, और लोकल टमाटर मंडी में आए हैं 4-5 क्रेटें आई, 200 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से अब बिक रहा है। हालांकि ग्राहक अभी पहुंचे नहीं है किसे खरीदने के लिए, और हरा धनिया 30 रुपए प्रति किलो भी है तो 35 रुपए प्रति किलो 50 रुपए प्रति किलो भी है, और मेथी आज मंडी में 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, जबकि मूली 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है। और विनोद कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। खेमरा जी का स्वागत है, रवि गुड जी हरिद्वार से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, शशि ठाकुर जी का स्वागत है, टेक सिंह ठाकुर जी का स्वागत है, खेमरा जी का स्वागत है, जी आर शर्मा जी का स्वागत है, राजेश शर्मा जी का स्वागत है, और जयसिंहपुर से हमारे साथ जुड़े हैं राज कलसी जी, तो उनका हम स्वागत करते हैं। कांगड़ा से जुड़े हैं, जयसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर हाल ही में अब मंत्री भी इस निर्वाचन क्षेत्र को मिला, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ जुड़े हैं, और नरेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों का स्वागत। जितनी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मौसम की जानकारी में सभी दर्शक से आग्रह रहेगा कि अभी थोड़ी देर में मौसम की जब जानकारी देंगे तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं कि मौसम कैसा हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, और उसके बारे में हम आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। उसी दिन बारिश होगी, तो बनिए रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। गोल्डी चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है, शिशु गोपाल जी का स्वागत है, और अनवर साफी जी का स्वागत है, चिक्की दीवान जी का स्वागत करते हैं, साथ में विकास जी का भी, दुनी शर्मा जी का भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं, और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खबर पहुंच सके कि प्याज अब सस्ता हो गया है। धन्यवाद जी।